साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी चैनल की वीडियोस में। और आज है 17 अप्रैल 2018, और आज के वीडियो में आज का देश जो सेक्शन होगा उसमें आज हम बात करेंगे स्वीडन की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहली खबर और सबसे पहली जो बात है आज की है कि भारत पर्यटन विकास निगम ITDC ने किस राज्य के लिए 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मेगा पर्यटन गंतव्य परियोजना के विकास के लिए एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए, यानी कि एक परियोजना बनाई गई है जिसमें 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी, और ये किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की जिस जगह पर ये पूर्वी गोदावरी जिला जो है वहाँ पर, वहाँ का भी काकिंडा का भैरव लंका जगह है। भैरव लंका जगह का नाम याद रहेगा, भैरव लंका और काकिंडा स्थान है। तो काकिंडा का भैरव लंका पूर्वी गोदावरी जिला, वहाँ पर इसके लिए जो 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये स्टार्ट किया जाएगा। यदि हम बात कर लेते हैं आखिर ये इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या है, तो ये निगम है एक प्रकार का, भारत पर्यटन विकास निगम जिसे हम कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका काम जो है वो ये है कि भारत के अंदर जो जो टूरिज्म के स्थान हैं, जो पर्यटन के स्थान हैं, उनका विकास करना, और उसके लिए वहाँ होटल वगैरह पर जो यातायात की सुविधा है, तो इस प्रकार की जितनी भी सुविधाएं होती है उन सब का काम करना, देख रेख करने का काम इसी संस्था का है, भारत पर्यटन विकास निगम का। चलिए बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है वर्तमान में हैदराबाद, लेकिन उसकी नई राजधानी बनाई जा रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है यानी जो बसाई जा रही है, बनाई जा रही है, उसका नाम क्या होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और ESL नरसिंहमन जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। ESL नरसिंहमन और इन्हीं के पास जो है तेलंगाना का प्रभार भी है, यानी तेलंगाना के भी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं राम नाईक। गवर्नर्स के नाम याद रखिएगा, कभी जो है GA में करंट अवेयर जनरल अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल है। वहीं अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार की राजधानी है पटना, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के गवर्नर है। इससे पहले जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो बिहार के ही गवर्नर थे। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 6 दिवसीय यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं, तो वो 2 देशों को घूमेंगे, उनमें से किस देश में जो पहले जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जा रहे हैं वो स्वीडन जाएंगे सबसे पहले, यहाँ से निकल गए हैं, स्वीडन पहुँचेंगे, स्वीडन के बाद ब्रिटेन के लिए वो और जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, इंपॉर्टेंट मौका ये है क्योंकि ये जो है पहली इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होगा, इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। आखिर ये इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन क्या है, ये नॉर्डिक क्या है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को समझने के लिए नॉर्डिक जो देश हैं उनको किन किन देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है, उसके अंदर स्वीडन है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, ये 4 देश हैं, इनको जो है नॉर्डिक कहा जाता है। तो इससे पहले एक जो है अमेरिकन नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसी की तर्ज पर इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा, और भारत ऐसा दूसरा देश होगा जिसके साथ ये 5ों कंट्रीज़ एक साथ जो है शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। भारत की तरफ से ये शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि भारत अभी तक जहाँ भी उनसे इंटरेक्ट करता था वो यूरोपियन यूनियन के माध्यम से करता था, लेकिन एक साथ ये 5ों देशों के साथ इंटरेक्ट करेगा, 5ों देशों के प्रधानमंत्री से मिलेंगे माननीय मोदी जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दौरा होने वाला है स्वीडन का, उसके बाद जाएंगे वो ब्रिटेन। साथ में पहली बार होगा स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहली बार किसी देश के राष्ट्र प्रमुख का या प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए स्वयं आएंगे, तो ये पहली बार वहाँ के इतिहास में होने जा रहा है। तो काफ़ी तवज्जो भारत को वो दे रहे हैं। स्वीडन की हम बात करें, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, और इसीलिए जो है स्वीडन को हमने आज के देश की कैटेगरी में रखा है। इसके बारे में हम विस्तार से और जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें चर्चा करेंगे। चलिए स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड, और स्पेन की जो मुद्रा है वो यूरो है, और मेरियानो रोजॉय जो है यहाँ के PM है। वहीं हम बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ की मुद्रा 2 हैं, एक यूरो है और एक CFF फ्रैंक भी जो है यहाँ की
मुद्रा है, राष्ट्रपति जो है यहाँ के इमानुअल मैक्रॉन है। वहीं ब्रिटेन की हम बात कर लें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की मुद्रा है, और थेरेसा मे जो है यहाँ की प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट पुस्तक के लेखक हैं, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, वर्तमान शनिरो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा भारत के अंदर एक प्रकार की चीज़ें लगातार उबाल मान रही हैं, जातीय हिंसा, सांप्रदायिकता और इन तमाम प्रकार की चीज़ों से गुजर रहा है। तो यहाँ मैं आप सब लोगों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप लोग सब विद्यार्थी हैं, कृपया सोशल मीडिया पर जो कुछ जो वर्तमान में चल रहा है उस पर अपनी अपने आप को उसमें ना फंसाएं, हो सके तो उससे दूर रहें, और दूर ना रह सकें उसको देखें तो उसमें ये समझने का आप अपना निरक्षर विवेक रखें कि कौन सी न्यूज़ जो है उसके अंदर फेक हैं, गलत हैं, झूठी फैलाई जा रही हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो वो सही है। क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक पर आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उनमें से बहुत मुश्किल हो पाता है पता लगाना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कृपया उन चीज़ों के प्रोपोगेंडाज में आप ना आएँ और अच्छे तरीके से उसका यूज़ आप करें, अपने हितों के लिए उसका यूज़ करें। चलिए तो ये मेरा एक संदेश था आप लोगों के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर की एक पुस्तक थी अनहिलेशन ऑफ कास्ट, वैसे ये पुस्तक नहीं थी, एक्चुअल में क्या होता, लाहौर के अंदर एक उनका भाषण होने वाला था। जो भाषण आयोजित करने वाला संस्थान था वो जात पात ताड़क मंडल लाहौर के अंदर ये होना था, लेकिन वहाँ के जो आयोजनकर्ता थे उन्होंने पहले तो इनको आमंत्रित कर दिया था, लेकिन इसके भाषण में कुछ वो बदलाव चाहते थे जो इन्होंने करने से मना कर दिया। और जब ये भाषण उनका नहीं हुआ तो जो उन्होंने भाषण तैयार किया था उसी को एक पुस्तक के रूप में प्रिंट करवा दिया 1936 के अंदर, और वही है इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट, यानी किस प्रकार से जो धर्मांधता है या जो जातिवाद है उसके ऊपर पूरा के पूरा इन्होंने बताया था इस पूरी पुस्तक के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्रामीण स्तर पर बाल संरक्षण समिति की स्थापना की घोषणा की? तो बाल संरक्षण समिति की स्थापना की घोषणा जो की है हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा की गई है, अभी आज ही इसकी घोषणा हुई है। ये जो बच्चों से दुर्व्यवहार जो होता है उसको रोकने के लिए ये जो है समिति, जो ग्रामीण स्तर पर समिति है, ये काम करेगी। चलिए पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। तो कलकत्ता राजधानी है, ममता बनर्जी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और केसरीनाथ त्रिपाठी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं तमिलनाडु की बात हम माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात कर चुके हैं। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी हैं, और बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर हैं तमिलनाडु के। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि होम एक्सपो इंडिया का 7वां संस्करण जो है किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है होम एक्सपो इंडिया, तो ये आयोजित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा के अंदर, और ये जो है चार इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जो है तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, फर्निशिंग, फ्लोरिंग, टेक्सटाइल, यानी कि टेक्सटाइल घर का जो सामान होता है वो, और इन सब चीज़ों के लिए, फर्नीचर वगैरह, टेक्सटाइल, घर का सामान, इन सब चीज़ों के लिए जो है होम एक्सपो आयोजित किया जाता है। तो ये 7वां आयोजन होगा जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो एसोचैम के एक सर्वेक्षण किया है, उसके मुताबिक दिल्ली में रह रहे जो लोग हैं उनके अंदर 28% लोगों के शरीर में किस चीज़ की कमी है? तो ये जो बताई गई है विटामिन डी की कमी इन लोगों के शरीर में बताई गई है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आखिर विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य से, और इसी के लिए जो है एक दिल्ली के अंदर विशेषकर प्रोजेक्ट धूप चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में आया ये प्रोजेक्ट धूप, इसके अंदर क्या है कि जो मुख्य स्रोत है जो हमारी विटामिन्स का मुख्य स्रोत, विटामिन डी का खासकर जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। और तो उन्होंने जो है अपील की है स्कूलों से कि स्कूल जो है अपनी असेंबली हो यानी कि प्रार्थना जो होती है उसका समय बढ़ा दें, मॉर्निंग में ना कर 11 बजे से 1 बजे के बीच में अपने वो, और खुले आसमान के नीचे करवाएं ताकि धूप बच्चों को मिल सके और प्राकृतिक रूप से जो बच्चे हैं उनको विटामिन डी की आपूर्ति की जा सके। तो चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक जीन की पहचान की है, ये जीन जो है अल्जाइमर जो रोग होता है जो खासकर बुढ़ापे में होता है जिसमें याददाश्त की कमी हो जाती है उसके जो जोखिमों को बढ़ाता है, तो इस जीन का नाम क्या है? तो इस जीन का नाम है EPO E4। EPO E4 जो है इस जीन के कारण जो होता है अल्जाइमर रोग होता है। तो अल्जाइमर बुढ़ापे में जो याददाश्त की कमजोरी हो जाती है उसको हम अल्जाइमर के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आज के देश की। तो आज का देश जो है वो है स्वीडन, कहाँ पर स्थित है, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसके बारे में सब हम चर्चा करेंगे।
चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये है भारत, और भारत से आप इस तरफ जाएंगे। किस तरफ जाना है? ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ ये है यूरोपियन कंट्रीज़, और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो है, ये है नॉर्डिक कंट्रीज़, या इसको जो कहते हैं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र भी कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला एक्चुअली होता क्या है, भारत में भी प्रायद्वीप है, तो ये भी एक प्रकार का स्कैंडिनेविया जो है प्रायद्वीप है। ये कैसा प्रायद्वीप है, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्वीडन की। देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये जो तीन तरफ से, क्योंकि प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, तो ये इस तरफ से भी पानी से घिरा है, नीचे से भी पानी से घिरा है, और इधर से भी जो है पानी से घिरा हुआ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है खासकर, ये पूरा के पूरा प्रायद्वीप है। इसको स्कैंडिनेवियन जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? इसके अंदर पूरा नॉर्वे शामिल है, पूरा स्वीडन शामिल है, फिनलैंड का कुछ हिस्सा शामिल है, और रशिया के एक दो जिले इसके अंतर्गत जो है शामिल हो जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम स्वीडन की। तो स्वीडन, जैसा कि आप सभी को पता है, ये है स्वीडन। इधर जो है इसमें गल्फ ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ बोथानिया, या बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर भी कहा जाता है, या नॉर्थ सी, नॉर्थ सागर है, और ये जो है नार्वे, इधर जो है नार्वेनियन सी है। चलिए, अब अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करके मैं आपको इसमें बताऊं, तो इसकी राजधानी जो है, स्वीडन की राजधानी क्या है, आप सभी को पता है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है वो 14 द्वीपों के ऊपर बसी हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये राजधानी है, और ये कितने द्वीपों पर बसी हुई है? 14 द्वीपों के ऊपर ये राजधानी बसी हुई है। स्वीडन का कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात कर लें, स्वीडन का जो कुल क्षेत्रफल है, या पहले इसके पड़ोसियों की बात कर लें, जिसके पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। पड़ोसियों के देश की बात करने के लिए थोड़ा सा इसका मैं लेआउट चेंज कर देता हूं। तो यहां पर आप देख पाएंगे स्वीडन के जो पड़ोसी देश हैं, इस तरफ जो है फिनलैंड है, ये फिनलैंड है, इस तरफ देखेंगे तो आप नॉर्वे है, नीचे की तरफ देखेंगे तो डेनमार्क है, अब इधर बाल्टिक सी लगा हुआ है, इधर गल्फ ऑफ बोथनिया है, और इस तरफ यहाँ देखेंगे तो एस्टोनिया है। तो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो बाउंड्री शेयर करता है फिनलैंड के साथ, बाउंड्री शेयर करता है नॉर्वे के साथ, नॉर्वे और फिनलैंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बाकी तरफ से जो है वाटर बॉडी से ये घिरा हुआ है पूरी तरह से, जो यूरोपियन कंट्री है, और उसके अलावा जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ऊपर की तरफ बिल्कुल जहाँ पर उत्तरी ध्रुव है उसके पास का ये देश है। क्षेत्रफल की बात करें तो 5.2 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है, और यूरोपियन यूनियन का तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट है, तीसरा सबसे बड़ा देश ये है। जो यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 1.10 करोड़ के लगभग यहाँ की जनसंख्या है, और मानव विकास सूचकांक में काफ़ी बड़ी स्थान रखता है, यानी कि यहाँ की जो मानव विकास को सूचकांक में 6वां स्थान रखता है पूरी सारी दुनिया के अंदर। तो यहाँ की जो लाइफ है, लोगों की जो जीवन शैली है, काफ़ी उच्च प्रकार की जीवन शैली है। ये जो देश है, यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है 23.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है लोगों के पास। जैसे भारत में हम बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस लिहाज से हम देखें तो। यहाँ की मुद्रा की हम बात कर लें तो यहाँ की मुद्रा जो है स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना है यहाँ की मुख्यतः से मुद्रा। और ये जो क्षेत्र है बेसिकली, ये पूरा के अधिकतम जो क्षेत्र है यहाँ का, ये मैदानी है, लेकिन इसके पश्चिमी हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा, यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पहाड़ी क्षेत्र है, बाकी अधिकतम जो क्षेत्र है वो मैदानी है। नीचे की तरफ वाटर बॉडीज लग गई है, तो ये जो है समुद्र के पास में है, तो बंदरगाह वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी है। और GDP के अनुसार देखें, यहाँ की जो है सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है स्वीडन विश्व में GDP के लिहाज से। तो चलिए, आई होप ये जानकारी जो है आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगी होगी, और आपको पसंद आया होगा हमारा ये भाग। आई होप कि आपको स्वीडन की यात्रा काफ़ी पसंद आई होगी। चलिए, आज की बात हम करते हैं यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।